नवीन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरिद्वार में हुए रोड शो को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केजरीवाल के रोड शो को लेकर उन पे जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। RTI में खुलासा हुआ कि दिल्ली में केवल 461 लोगों को केजरीवाल सरकार रोजगार मुहैया करा पाई है। उत्तराखंड में 6 महीने में 1,00,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई है, जो जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता समझदार है और ऐसी घोषणाओं को भली भांति जानती है। नहीं, मैं केजरीवाल जी से ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जनता आपको वोट क्यों दे, ये ऑटो चालक आपको वोट क्यों दे, ऐसा कौन सा कद्दू में तीर आपने दिल्ली में मार दिया जो आप उत्तराखंड में मारोगे आके? 7 साल से आप वहाँ पर सत्ता पर काबिज हैं। दिल्ली वासियों को तो आप केवल 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हमको आप 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। भाई, क्या उत्तराखंड वासियों ने ऐसा जादू कर दिया आप पर कि आप कुर्बान हुए चले जा रहे हैं उत्तराखंड पर? पहले दिल्ली तो 300 दीजिए, और 7 सालों में एक RTI के जवाब में केजरीवाल जी के रोजगार मंत्रालय ने जवाब दिया है कि 14,00,000 युवा, प्रशिक्षित युवा बेरोजगार सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, लेकिन रोजगार कितनों को दिया? 461 लोगों को। चुनाव लड़ेंगे 70 विधानसभा में और उत्तराखंड की जनता आपको सरमाथे बैठा लेगी, तो इतनी बेवकूफ नहीं है। उत्तराखंड की जनता साक्षरता में देश की साक्षरता से ऊपर है।